Hello everyone, it is the first lecture of classification of elements जो fifth chapter है science के अंदर। तो सबसे पहले हम introduction start कर लेते हैं classification of elements की। तो इस chapter के अंदर हम study करेंगे, सबसे first study करेंगे हम darbinitrides, second हम study करेंगे Newland's law of octaves या Newland octaves, third table हम study करेंगे Mendeley periodic table, फोर्थ हम स्टडी करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये क्या सभी टेबल्स हैं, यानी एलिमेंट्स थे हमारे पास, एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया एक सिस्टमेटिक वे से। ओके, तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी जो हमारी यूनिट है, चैप्टर है, उसका नेम क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स की अरेंजमेंट। जैसे क्लास में बच्चे होते हैं, उनको हम एक प्रॉपर मैनर में अरेंज करते हैं, रोल नंबर वाइज बिठाते हैं, जैसे कुछ बच्चे आगे, उसके बाद फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे बिठाते हैं। या फिर प्रेयर के अंदर हम क्या करते हैं कि छोटे बच्चे आगे होंगे, बड़े उनके पीछे खड़े होते हैं, तो वो क्या एक अरेंजमेंट है। उसी तरह हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, जैसे 1800 साल, 1800 ईयर, हमारे पास 30 एलिमेंट्स थे, और जैसे जैसे टाइम चलता गया हमारे पास नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज करते गए। तो अब जैसे एलिमेंट इंक्रीज हुए, तो उनको लर्न करना, उनको रखना या याद करना बड़ा मुश्किल था, तो साइंटिस्टों ने उनको एक अरेंज किया, यानी एक मैनर में एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ताकि हम उनकी प्रॉपर्टी, उनका नेम, उनकी करैक्टरिस्टिक्स ईजिली लर्न कर सकें, या उनके क्या यूजेज होते हैं, उस वे से हमने एक अरेंजमेंट की, और अरेंजमेंट को बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो देखो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो सबसे पहले हमारे पास डॉर्बिनियर साइंटिस्ट आए थे, जिन्होंने अरेंजमेंट की थी एलिमेंट्स की। जो फर्स्ट टेबल है, यानी डार्बिनर, न्यूलैंड एंड मेंडली, वो तीनों की तीनों टेबल मास नंबर के बेस पे तैयार की जाती हैं अभी, ठीक है। और जो फोर्थ टेबल आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो प्रेजेंट टाइम आप स्टडी करते हो, जिसकी ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो अरेंजमेंट है वो किस बेस पे होता है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो फर्स्ट थ्री टेबल को बनाया गया था इंक्रीजिंग मास नंबर के बेस पे, और फोर्थ टेबल को बनाया गया था इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे। वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो मीन क्या होता है, देखो द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन सच ए वे दैट सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड टुगेदर व्हाइल डिसिमिलर एलिमेंट आर सेपरेटेड। यानी जो डिसिमिलर, जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है, उसको हमने क्या किया, सेपरेट वे से रख दिया, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। यानी एलिमेंट्स, जो सिमिलर एलिमेंट है, मैंने क्या किया या साइंटिस्टों ने क्या किया, उसको अरेंज कर दिया एक मैनर में, डिफरेंट एलिमेंट को दूसरे मैनर में अरेंज कर दिया, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। जो प्रेजेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, यानी आज जो स्टडी करते हो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर आपके पास टोटल कितने एलिमेंट हैं, 118, यानी आज तक टोटल एलिमेंट 118 फाइंड हो चुके हैं। उसके अंदर मेटल कितनी है, 91, नॉन मेटल्स कितनी है, 20, और मेटलॉइड्स कितनी है, 7। यानी मेटलॉइड्स क्या होती हैं, जिनकी प्रॉपर्टी, जिनकी करैक्टरिस्टिक्स लाई करती हैं बीच में मेटल और नॉन मेटल के, उसको बोलते हैं मेटलॉइड। तो टोटल कितने हैं ये, 118। तो हमारे पास 118 टोटल एलिमेंट है आज के टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले 1800 ईयर 30 एलिमेंट थे हमारे पास, तो उस 30 एलिमेंट को अरेंज करने के लिए सबसे पहले जो टेबल दी थी उसको बोला जाता है डार्बिनर्स ट्राइड्स, यानी डॉर्बिनियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले अरेंजमेंट की थी। तो आओ सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं डार्बिनियर ट्राइड्स। ओके, नाउ डार्बिनियर ट्राइड्स, तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या फिर एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की थी, वो थे डार्बिनियर, यानी जोहन डार्बिनियर। आपको पता है कि जो 1800 साल था, उस टाइम तक
हमारे पास 30 एलिमेंट फाइंड हो चुके थे। तो अब इन एलिमेंट्स को लर्न करना यानी कि प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना बड़ा मुश्किल था। तो इस वजह से साइंटिस्टों ने क्या किया, इनको एक प्रॉपर वे से अरेंज किया। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, डाबनियर, जोहन डाबनियर। उन्होंने एलिमेंट्स को एक सिस्टमेटिक वे से अरेंज किया। तो उस टेबल को बोला जाता है डाबनियर ट्राइड्स। ओके, तो डाबनियर ट्राइड्स बोला जाता है। ट्राइड क्यों बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने 3-3 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। डाबनियर के टाइम टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट थे, 30। ठीक है, तो उन्होंने कोशिश की थी इन एलिमेंट्स को एक प्रॉपर मैनर में अरेंज करने के लिए। तो सबसे पहले डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं क्या होगी। देखो, डाबनियर ट्राइड्स कब अरेंज की थी, 1817। जर्मन केमिस्ट थे। तो देखो डेफिनेशन क्या है, व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो सबसे मेन पॉइंट क्या है इसके अंदर, अरेंज किए थे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के वे में। ग्रुप्स ऑफ देयर एलिमेंट्स, किसके एलिमेंट्स, ट्राइड्स के, हैविंग सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी जो 3 एलिमेंट अरेंज किए थे उन्होंने ट्राइड्स के अंदर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी, वो सिमिलर थी। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, यानी जो मिडल का एटॉमिक मास होगा ऑफ द ट्राइड, बींग इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। देखो, तो पहला तो क्या बेस था इसका, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास या मास नंबर। दूसरा क्या था, इसमें अर्थमेटिक मीन था किसका, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का। जैसे उसका अर्थमेटिक मीन निकाला, यानी जैसे उसका मीन आया, वो मीन किसके इक्वल था, सेकंड वन के इक्वल था। देखो कैसे, आपके पास 3 एलिमेंट है, मान लो ए बी और सी, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है। तो डाबनियर ने क्या किया था, ए और सी का मीन, यानी ए प्लस सी का जो मास था उसको प्लस किया, उसको 2 से डिवाइड किया, और जो आंसर आया ना वो किसके इक्वल आया, बी के इक्वल आ जाता है। इस वजह से उन्होंने अरेंज किए थे। और जो डाबनियर थे उन्होंने टोटल 9 एलिमेंट्स को अरेंज किया था प्रॉपर वे में। उस टाइम टोटल एलिमेंट 30 थे हमारे पास, और कितने अरेंज कर पाए थे वो, केवल 9। लेकिन एक बड़ा क्रांतिकारी चेंज था कि उन्होंने एक स्टार्टिंग दी थी एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। ओके, तो देखो कैसे थी वो। सबसे पहले उन्होंने अरेंज किया था लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम को। देखो, जैसे लिथियम फर्स्ट ट्राइड थी हमारे पास, लिथियम सोडियम और पोटाशियम। आपको पता है जो लिथियम है उसका मास नंबर कितना होता है, 7, और ये फाइंड हुआ था कितना था, ये 23, यानी 23 होता है। और जो पोटाशियम है उसका मास नंबर कितना होता है, 39, ठीक है ना, पोटाशियम का जो मास नंबर है वो 39 है। अब देखो, लिथियम और पोटाशियम मास नंबर को ऐड करो कितना आएगा, 7 + 39 / 2, अर्थमेटिक मीन कितना आएगा, 46 / 2, यानी कितना आएगा, 23। तो 23 को उन्होंने मिडल में रख दिया था। तो यही मीनिंग होता है, देखो, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड्स बीइंग इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट। ठीक है, तो उन्होंने एक सिस्टमेटिक वे से अरेंज किया था। इन तीनों एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इक्वल है। तो ये थी फर्स्ट ट्राइड। देखो सेकंड ट्राइड में क्या किया था उन्होंने, उन्होंने किया था जो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बैरियम, यानी कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बैरियम को अरेंज किया था। अब देखो, कैल्शियम और जो बैरियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका 40 और इसका आएगा 137। दोनों को ऐड करो, 40 + 137 / 2। जैसे आप इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर आ जाता है 88.5। बट ये स्ट्रोंटियम का जो एटॉमिक मास है वो था 88। लेकिन उन्होंने ये बोला था कि अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा, तो यानी ये अप्रोक्सीमेट क्या है, इक्वल है। तो ये सेकंड ट्राइड थे। ओके, तो मैंने क्या किया, दोनों के मास को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, तो मेरे पास आंसर आता है 88.5। लेकिन इसका मास कितना था, 88 था। ठीक है, उन्होंने ये भी बोला था कि अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा। अब जो थर्ड थी, हैलोजन फैमिली, उन्हें थर्ड हैलोजन फैमिली को अरेंज किया था। तो थर्ड क्या थी उनके पास, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखो, क्लोरीन का जो मास नंबर होता है वह 35.5। ये मास नंबर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से लर्न होता है अभी आज के टाइम। ओके,
और देखो बैरियम का होता है अभी 80 और आयोडीन का होगा 127, ये होता है भाई। अब देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाओ, सम ऑफ मास नंबर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, तो दोनों के मास नंबर को सम करोगे 35.5 प्लस 127, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 81.5 आएगा। देख लेना इसको सम करके और 2 से डिवाइड करके तो कितना है 81.5, लेकिन ये कितना आपके पास 80, तो अप्रोक्सीमेट क्या है, इक्वल है। तो इस तरीके से उन्होंने 3 ट्राइड्स को अरेंज किया था। देखो ट्राइड का मीनिंग ये है, उन्होंने 3 बनाई वो नहीं है, देखो 3 तो उन्होंने अरेंज हुए थे 9 एलिमेंट, फर्स्ट ट्राइड, सेकंड ट्राइड और थर्ड ट्राइड, तो देखो 3 एलिमेंट को अरेंज किया था, इस वजह से उनको बोला जाता है ट्राइड। तिगड़ी तीनों की, यानी फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का सम का मीन किसके इक्वल था, सेकंड वन, तो ये क्या आपके पास फर्स्ट ट्राइड है ना, इस वजह से इसको बोला जाता है डाबनियर ट्राइड्स। ठीक है, तो ये काफ़ी क्रांतिकारी चेंज था केमिस्ट्री के अंदर, स्पेशली टेबल के अंदर, ठीक है ना, जो पीरियोडिक टेबल थी। अब हम कर लेते हैं इसकी कुछ लिमिटेशन। तो इसका बेनिफिट क्या था, एक तो आप सिस्टमेटिक स्टडी कर सकते हो एलिमेंट्स को, दूसरा इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को लर्न करना आसान हो गया था, ठीक है ना, तो एक आइडिया मिला था हमें एलिमेंट्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, यानी एक काफ़ी क्रांतिकारी चेंज था। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स थे तो हम उनको पढ़ लेते हैं, डीमेरिट्स ऑफ डार्बनियर ट्राइड्स, कुछ डीमेरिट यानी कुछ कमियां थी इसके अंदर। देखो लिमिटेशन ऑफ डार्बनर ट्राइड्स, तो इसकी कुछ लिमिटेशन भी थी। देखो लिमिटेशन क्या थी, ही कुड नॉट अरेंज ऑल दी एलिमेंट्स नॉन दैट टाइम इनटू ट्राइड्स, यानी जो डार्बनर थे वो टोटल एलिमेंट, यानी उस टाइम हमारे पास टोटल 30 एलिमेंट थे, तो 30 में से केवल 9 एलिमेंट को ही वो अरेंज कर पाए थे ट्राइड्स के अंदर। तो सबसे बड़ी फेलियर या लिमिटेशन आप बोल सकते हो कि वो कुछ एलिमेंट को ही अरेंज कर पाए, बाकी एलिमेंट को अरेंज नहीं कर पाए, तो ये उनकी लिमिटेशन थी। तो आगे हम कर लेते हैं इसके बाद न्यूलैंड ऑक्टस, तो इसके बाद साइंटिस्ट आए थे वो थे न्यूलैंड्स, तो उन्होंने नेक्स्ट टेबल दी थी हमारे पास जिसको बोला जाता है न्यूलैंड लाफ ऑक्टस। नाउ सेकंड टेबल, और सेकंड टेबल क्या है, न्यूलैंड्स लाफ ऑक्टस, किसने दी थी ये, साइंटिस्ट नेम था जोहन न्यूलैंड, और कब दी थी 1866 के अंदर, जो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, तो उनके नाम पे इस टेबल का नाम रखा जाता है। तो नाम क्या, देखो न्यूलैंड्स साइंटिस्ट नेम है, लाफ ऑक्टव्स, इसको दो वे से आप समझ सकते हो, ओक्टा, ओक्टा का मीनिंग क्या होता है, 8, यानी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच करती है 8th वन से, 8वें एलिमेंट से, इस वजह से बोला जाता है ओक्टव्स। और ओक्टा वेव्स, यानी ओक्टा 8, वेव मतलब म्यूजिक, तो इसको आप म्यूजिक से भी रिलेट कर सकते हो। तो आप याद रखोगे इसको ओक्टा मतलब 8वें एलिमेंट से प्रॉपर्टी मैच करेगी फर्स्ट एलिमेंट की। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं, तो डेफिनेशन क्या थी, व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मास नंबर, तो पहली 3 टेबल हैं उनको किसके बेस पे तैयार किया जाता है, इंक्रीजिंग मास नंबर के बेस पे, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको प्रिपेयर किया गया था इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे भी। तो क्या था फर्स्ट बेस, क्या था कि एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास नंबर, एटॉमिक मास, द प्रॉपर्टी ऑफ 8th एलिमेंट, आप कहीं से भी उसको स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन एलिमेंट, यानी आप फर्स्ट से स्टार्ट करो या सेकंड से, उसके बाद 8वां, और रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, यानी 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट से, या आप बोल सकते हो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8वें से मैच करती है। तो इस टेबल की वजह से जो न्यूलैंड्स थे उनको एक रिवार्ड मिला था, एक मेडल मिला था, देखो द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन डेकोरेटेड हिम बाय अवार्डिंग डेवी मेडल 1887 के अंदर, तो उनको मेडल दिया था इसके लिए। उस टाइम तक 56 एलिमेंट फाइंड हो चुके थे, तो इन्होंने 56 एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश की थी न्यूलैंड्स ने। तो देखो उनकी अरेंजमेंट क्या थी, जैसे म्यूजिक टोन है इंडियन, इंग्लिश में जो ये नोट्स हैं अलग होते हैं, और इंडिया के अंदर या इंडियन म्यूजिक के अंदर अलग होंगे। तो क्या है, देखो सा रे गा मा पा धा नी, ये होते हैं भाई। अब देखो सा रे गा मा पा धा नी सा, ये होते हैं ना। अब देखो एलिमेंट हाइड्रोजन, क्योंकि उस टाइम तक नोबल गैस फाइंड नहीं हुई थी, तो इसके अंदर आपको नोबल गैस नहीं मिलेंगी क्योंकि सर्च ही नहीं हुई थी। तो देखो हाइड्रोजन, उसके बाद क्या आता है हीलियम, बट है नहीं हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरिन, इसके बाद क्या आता है नियोन, बट नियोन तो नोबल गैस है, यानी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन,
वो नहीं होगी उसको आप छोड़ो। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, उसके बाद आर्गन, फिर क्रिप्टन। तो ऐसे ही आप इसको याद कर सकते हो। यानी अगर आपको कोई भी टेबल लर्न करनी है तो सबसे पहले आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लर्न करनी पड़ेगी। उसकी ऑलरेडी मैं ट्रिक बना चुका हूँ, तो आप प्लीज़ एक बार उसको ज़रूर देखो, क्योंकि आपको ये लगता होगा भी इतने को याद कैसे करें, क्योंकि कई टेबल हैं याद करनी बड़ी मुश्किल है। तो आप केवल याद करो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, उसके बेस पे आप सभी को इजीली लर्न कर सकते हो। देखो तो हमारे पास ये क्या है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टव्स, यानी ऑक्टव टेबल है हमारे पास। तो हाइड्रोजन, लिथियम, अब देखो फर्स्ट एलिमेंट आपके पास हाइड्रोजन है। अब एट्थ देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ, यानी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, फ्लोरीन से। या आप यहाँ से काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी लिथियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करेंगी, सोडियम से। सोडियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, पोटाशियम से। तो उन्होंने यही बोला था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, कहीं से भी आप फर्स्ट कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी आठ में से मैच करेगी। इस वजह से बोला जाता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टव्स। यानी पहला बेस क्या था, इसको तैयार किया गया था इंक्रीजिंग मास नंबर के बेस पे। दूसरा इसका पॉइंट क्या था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी आठ में से मैच करेगी। ओके, आप कहीं से भी देख सकते हो, जैसे बेरिलियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करती है, मैग्नीशियम से। तो ये क्या है, ग्रुप। उन्होंने ग्रुप के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी थी, जो आपके पास वर्टिकल रो गए यानी अप टू डाउन, तो उनको उन्होंने ग्रुप बोला था। तो ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टी मैच करेंगे, यानी लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से मैच करती है और सोडियम की प्रॉपर्टी पोटाशियम, यानी इनकी प्रॉपर्टी आपस में क्या करेंगी, मैच करेंगी ग्रुप्स के अंदर, ठीक है ना। तो उन्होंने 56 एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश की थी। बट जैसे देखो कैल्शियम, कैल्शियम के बाद हैवी मेटल स्टार्ट हो जाती है, तो हैवी मेटल पे ये इतनी ज़्यादा वैलिड नहीं होती, तो इसके अंदर कुछ कमियाँ भी थी, तो उनको लिमिटेशन में हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो जो बेसिकली न्यूलैंड ऑक्टव्स थे, तो वैलिड थी हमारे पास केवल कैल्शियम तक, यानी लाइट एलिमेंट के लिए तो ये सही थी। बट जैसे ही हमारे पास हैवी एलिमेंट आए, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट, जिंक, ये जब सर्च हुए या ये जब आए, तो उस टाइम ये पीरियोडिक टेबल ने प्रॉपर वर्क करना बंद कर दिया था, यानी प्रॉपर वे से वर्क नहीं कर पाई थी, क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी आपस में मैच नहीं करती थी। और इसमें देखो आगे कोबाल्ट और निकल को भी उन्होंने एक ही जगह के अंदर रख दिया था, तो ये इसके अंदर कुछ कमियाँ थी। तो अब हम डीपली स्टडी कर लेते हैं लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टव्स। नाउ लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टव्स, तो उसकी कुछ लिमिटेशन थी, उनको डीपली स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टव्स वॉज एप्लीकेबल टू कैल्शियम। तो ये लॉ केवल कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, या आप बोल सकते हो लाइट एलिमेंट तक तो एप्लीकेबल था। जैसे ही हैवी एलिमेंट आए, यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, डी ब्लॉक एलिमेंट, तो उसके बाद ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हुआ था, यानी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती थी फर्स्ट एलिमेंट की एट्थ के साथ। तो हम बोल सकते हैं केवल ये कैल्शियम तक तो वैलिड था, सही था लॉ ये। सेकंड लिमिटेशन देखो, न्यूलैंड्स अज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन द नेचर, नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड। तो उनका ये मानना था कि 56 ही एलिमेंट है नेचर के अंदर, इससे ज़्यादा एलिमेंट फाइंड नहीं हो सकते। बट बाद में क्या हुआ, बहुत सारे एलिमेंट सर्च हो चुके हैं, यानी आज के टाइम हमारे पास 118 एलिमेंट हैं। तो न्यूलैंड का मानना था कि केवल 56 एलिमेंट ही हैं, इसके बाद कोई भी न्यू एलिमेंट सर्च नहीं होगा, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट उनकी रॉन्ग प्रूव हो गई। नेक्स्ट देखो भी, थर्ड, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट, यानी जो एलिमेंट उन्होंने फिट किए थे वो एलिमेंट प्रॉपर नहीं थे। जैसे उन्होंने क्या किया था, कोबाल्ट और निकल, तो एक बार पूछा गया क्वेश्चन है भी किन दो एलिमेंट को न्यूलैंड्स ऑक्टव्स के अंदर एक ही जगह रखा गया है, तो वो कौन से हैं, कोबाल्ट और निकल है, तो ये रॉन्ग था, यानी एक ही जगह पे उन्होंने दो एलिमेंट को अरेंज कर दिया था। साथ में इसमें ये भी प्रॉब्लम थी कि जैसे उन्होंने जिस ग्रुप के अंदर एडजस्ट किया, यानी क्या थे वो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ, तो इनकी प्रॉपर्टी इसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती, तो ये भी रॉन्ग थी। ओके, फोर देखो, आयरन, आयरन एलिमेंट, यानी एफ ई आयरन होता है, विच रिजेंबल कोबाल्ट निकल एलिमेंट, इन प्रॉपर्टीज आर प्लेस अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट। यानी जो आयरन है उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करती है, कोबाल्ट और निकल से, बट न्यूलैंड ने क्या किया था, आयरन को इनसे बिल्कुल अलग रख दिया था या लिख दिया था। ओके, उसके बाद फिफ्थ क्या आता है, व्हेन नोबल गैस एलिमेंट डिस्कवर्ड देयर इज नो स्पेस,
यानी जब नोबल गैस यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन ये फाइंड हुई तो कोई पर्टिकुलर स्पेस नहीं था इनके लिए, या फिर जैसे ही हमने इसको अरेंज किया न्यू लैंड्स के अंदर तो सारी अरेंजमेंट डिसऑर्डर होगी, वो अरेंजमेंट बिल्कुल ही अलग हो गई थी, ठीक है ना, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो गई थी, या आप बोल सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर प्लेस नहीं या कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी नोबल गैस के बारे में। ओके, और लास्ट पॉइंट आता है यानी लिमिटेशन तो यही थी। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डार्बनियर है यानी डार्बनियर की ट्राइड्स न्यू लैंड के ऑक्टव्स के अंदर मिलती है, बिल्कुल मिलती है। देखो क्या थी, सोडियम लिथियम सोडियम पोटासियम, तो ये डार्बनियर की ट्राइड्स के अंदर एक ग्रुप इसमें मिलता है। तो डार्बनियर की जो ट्राइड है वो किसके अंदर एग्जिस्ट करती है, न्यू लैंड ऑक्टव्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये था आज का आपका लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।